ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 365 दिन और करीब 6 घंटे में अपने सूरज का चक्कर लगा रही है, और ऐसी कई सारी प्रक्रियाओं से ही पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। पृथ्वी की तरह कोई दूसरा ग्रह मिल जाए जहाँ जीवन संभव हो, इस खोज में वैज्ञानिक लगातार जुटे रहते हैं। और एक ताज़ा रिसर्च की माने तो एक ऐसे ग्रह को देखा गया है जो अपने सौरमंडल के सूरज के चक्कर 378 दिनों में पूरा कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हैबिटेट जोन में है जहाँ पर जीवन संभव है, और ये पृथ्वी से काफ़ी तालमेल रखता है। वैसे यह ग्रह कैसे मिला और इसे किस इंस्टीट्यूट ने ढूंढा, और वहाँ की सतह का टेम्परेचर कितना है, और उसका सूरज कितना रोशन है, इस वीडियो में ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस संभावित रहने वाले एक्सोप्लैनेट और उसके तारे की खोज की है जो कि हमारी पृथ्वी और सूर्य का एक मिरर इमेज है, यानी कि ये इसकी संरचना हमारे सौरमंडल से काफ़ी मिलती जुलती है। क्या आपको पता है कि अभी तक 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट को खोजा जा चुका है, लेकिन इस तरह के प्लैनेट बहुत ही कम मिलते हैं। अभी हाल ही में खगोलीय वैज्ञानिकों ने एक एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित एक शोध में कहा था कि KOI 456.04 नामक एक ग्रह को खोजा है जो आकार और कक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारी पृथ्वी जैसा ही है, और इस प्लैनेट का सूरज भी है जिसे केपलर 160 कहा जाता है, और इसके सौरमंडल में 3 से 4 ग्रह होने की उम्मीद है। इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि KOI अपने सूरज की परिक्रमा 378 दिनों में पूरी कर लेता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी 365 दिन में करती है। वैसे इस रिसर्च का पता जर्मनी के नॉटिंगम में स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम के विशेषज्ञों ने लगाया है। शोधकर्ताओं ने जब केपलर नामक अंतरिक्ष दूरबीन से मिले डेटा का अध्ययन किया तब उन्हें इस ग्रह के बारे में पता चला। अब आगे उम्मीद है कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रहित 2026 में लॉन्च होने वाले ESA के प्लाटो मिशन से होगा। इस रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया है कि हमारी पृथ्वी हमारे सूरज से जितनी दूरी पर है, KOI भी अपने सूरज केपलर 160 से करीब उतनी ही दूरी पर है, और यह अपनी कक्षा में घूम रहा है। वैसे बात की जाए कि यह हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो आपको बता दूं कि यह हमारी पृथ्वी से करीब 3000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। वैसे इसके बारे में आपको अमेजिंग फैक्ट बता दूं, KOI 456 को ग्रह की पुष्टि करने में अभी थोड़ा संदेह है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि किसी ग्रह को ग्रह होने की पुष्टि के लिए क्या किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसके लिए सभी आंकड़ों का निष्कर्ष 99% तक होना चाहिए, लेकिन KOI के बारे में यह अभी 85% तक है, इसलिए थोड़ा संदेह भी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने उम्मीद की है इसे जल्दी ही ग्रह होने की पुष्टि की जाएगी। वैसे क्या आपको पता है इसकी पुष्टि ESA का प्लाटो अंतरिक्ष मिशन कर सकता है जिसको 2026 में लॉन्च करने की परियोजना है। वैसे प्लाटो के बारे में आपको बता दूं, ये हमारे सूर्य जैसे सितारों के आसपास के ग्रह को खोजने में मदद करेगा। MPS वर्तमान में प्लाटो डाटा सेंटर का निर्माण कर रहा है, और इसी मिशन के जरिए हम इसे गहराई से देख सकेंगे। वैज्ञानिकों को इस ग्रह KOI से इसलिए जीवन की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि इसके सूरज केपलर 160 की संरचना हमारे सूरज की संरचना से काफ़ी मिलती जुलती है। कुल मिलाकर सूरज से निकलने वाला इंफ्रारेड रेडिएशन का खतरा बहुत ही कम है, जैसा कि लाल छोटे तारों से होता है, इसलिए माना जा रहा है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है। क्या आपको पता है पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोजने में वैज्ञानिकों की मुहिम देर से ही सही लेकिन मिलती रहती है। हाल ही में हमें प्रोक्सिमा बी के बारे में पता चला जो प्रोक्सिमा सेंचुरी के आवासीय जोन में दिखी थी और अपनी कक्षा में 11 दिनों का समय ले रही थी।
और इससे पहले 10 लाख में से एक सुपर अर्थ की खोज की जा चुकी है, जो कि अपने सूरज से उतने ही दूरी पर स्थित है जैसे कि हमारे सौर मंडल में शुक्र और पृथ्वी के बीच में कोई जगह हो। वैसे क्या होगा अगर हम जल्दी किसी ऐसे ग्रह को ढूंढ लें जिस पर जीवन संभव हो और वहाँ पर हम जा सकें, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या होगा अगर कोई प्लेनेट, अगर क्या होगा अगर पृथ्वी हमारी सूरज जितनी बड़ी होती। वैसे इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।